नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल MS Advisor में। और दोस्तों, यहाँ पे डीएलएड को लेके बड़ा जो अपडेट आया हुआ है, डीएलएड को लेके एक नोटिस निकाला गया है जिसमें कि वर्कशॉप के बारे में और फिर एग्जाम डेट के बारे में और एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है। उसमें देखें तो और सारी चीज़ें जो इसमें डिस्कस की गई है, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या नोटिस निकाला गया है। दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक ये जानकारी पहुँच सकें। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं कि क्या यहाँ पर नोटिस निकाला गया है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो है देहरादून से ये नोटिस निकाला गया है। इसमें अगर नोटिस का डेट देखें तो ये जो 13 मार्च को ये नोटिस निकाला गया है। और यहाँ पे देखें तो जो भी यहाँ पे शिक्षा अधिकारी थे वहाँ के और जो भी नोडल अधिकारी थे, नोडल कोऑर्डिनेटर थे या फिर जो भी क्षेत्रीय निदेशक थे NIOS के, उन सबों ने बैठ के यहाँ पे एक मीटिंग किया था। और मीटिंग के दौरान जो है क्या क्या बातें हुई, किस किस चीज़ पर चर्चा हुआ और किन किन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बोला गया, एक यहाँ पे शेड्यूल निकाला गया कि कौन सा काम जो है कब तक होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखें तो वर्कशॉप के बारे में और फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट के बारे में और फिर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं इस नोटिस में क्या लिखा गया पूरा डिटेल में। यहाँ पे सबसे ऊपर देखें तो लिखा गया दिनांक 13 मार्च 2018 की बैठक का कार्यवृत्त, और फिर नीचे देखें तो लिखा गया स्थान अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय देहरादून। तो ये देहरादून का नोटिस है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ जो बातें जो दी गई है वो काफ़ी सारे स्टेट में जो इसी तरह से हो रहा है और इसी तरह से हुआ भी है। और नीचे देखें तो लिखा गया है आज दिनांक 13 मार्च 2018 को विद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं NIOS क्षेत्रीय निदेशक देहरादून की बैठक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय नूनूरखेड़ा देहरादून में आयोजित की गई। तो यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे बैठक जो हुआ था, बैठक में जो है जो भी शिक्षा अधिकारी हैं वो पहुँचे थे और जो भी NIOS के क्षेत्रीय निदेशक थे वो पहुँचे थे और जो भी नोडल अधिकारी थे वो भी वहाँ पे पहुँचे थे। और आगे लिखा है बैठक का उद्देश्य राज्य में डीएलएड पाठ्यक्रम के संचालन संबंधी समीक्षा करना तथा आगामी कार्य योजना तैयार करना। तो यहाँ पे देखिए बैठक का जो भी उद्देश्य था कि जो भी डीएलएड को लेकर जो भी पाठ्यक्रम का संचालन हो रहा है उसकी समीक्षा करना और जो भी आगे कार्य योजना जो बनेगा, जैसे कि एग्जाम को लेकर या फिर एग्जाम सेंटर को लेकर या फिर वर्कशॉप को लेकर, उन सब चीज़ों के बारे में आगे जो है इसका कार्य योजना तैयार किया गया है। और फिर नीचे देखें तो नीचे लिखा गया बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन अधिकारी उपस्थित थे, उन सबों का भी यहाँ पे नाम दिया गया। यहाँ पे देखें तो शिक्षा अधिकारी हैं, यहाँ पे नोडल अधिकारी हैं और फिर जो भी क्षेत्रीय निदेशक हैं वो हैं और सारे यहाँ पे जो भी शिक्षा के अलग अलग अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे नीचे में जो कि किन किन बातों पे यहाँ पे जो चर्चा किया गया, किन किन बातों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया उसके बारे में बताया गया है। बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा विमर्श किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही किए जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। तो यहाँ पे पहला बातों पे जो डिस्कस किया गया, डीएलएड परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र का निर्धारण तीव्र गति से संपन्न किया जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो के थ्रू बताया था, जो भी आपका एग्जाम सेंटर जो है उसको बनाने के लिए यहाँ पे जो काम जो चल रहा है वो काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है, यानी कि NIOS के द्वारा जो है काफ़ी यहाँ पे प्रेशर बनाया जा रहा है। जो भी यहाँ पे जिला स्तर पे जो भी शिक्षा अधिकारी या फिर जो भी NIOS के अधिकारी यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि कहाँ कहाँ पे जो कितने एग्जामिनेशन सेंटर बनने हैं उसको चिन्हित करके जो है उसका लिस्ट NIOS तक जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचाए। तो यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन सेंटर बनने का जो काम है, जो भी एग्जाम सेंटर बनने का जो काम चल रहा है वो काफ़ी यहाँ पे तीव्र गति से चल रहा है। और आगे यहाँ पे देखें तो लिखा गया है जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक परीक्षा केंद्र का निर्धारण तथा अध्ययन केंद्रवार परीक्षार्थियों का आवंटन कर NIOS क्षेत्रीय केंद्र को प्रेषित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे जो भी परीक्षा केंद्र बनेगा उसका जो निर्धारण करके जो है उसका एक लिस्ट तैयार करके जो है NIOS का जो भी रीजनल ऑफिस है वहाँ पे देंगे। और यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 500 से 1000 तक परीक्षार्थी आवंटित किए जाएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक एग्जाम सेंटर पे जो है 500 से लेकर 1000 टीचर जो है वहाँ पे जाके एग्जाम देंगे। आवंटन का फॉर्मेट NIOS द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि क्या वहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है और उसी फॉर्मेट पे जो है इन लोगों को जो भी एग्जाम सेंटर बनेगा उसका लिस्ट बना के देना है। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक परीक्षा केंद्र के निर्धारण प्रपत्र पर सहमति लेने के उपरांत क्षेत्रीय केंद्र देहरादून को प्रेषित करेंगे। संपूर्ण कार्रवाई 20 मार्च 2018 तक संपन्न की जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी एग्जाम सेंटर के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर चिन्हित करना है या फिर उसका लिस्ट बना के जो है जो भी NIOS के रीजनल ऑफिस देहरादून में वहाँ पे देना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि संपूर्ण कार्यवाही यानी कि पूरा काम जो है 20 मार्च 2018 तक जो है संपन्न हो जानी चाहिए। और फिर नीचे जो दूसरा बिंदु पे जो बात किया गया है, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार शिक्षा विभाग उत्तराखंड एवं NIOS के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए जाने हैं, अतः शिक्षा विभाग द्वारा इस मामले के आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। और फिर तीसरा बिंदु पे जो बात किया गया है, राज्य सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा MOU पर हस्ताक्षर होने के साथ ही राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा नामित राज्य प्रोजेक्ट डायरेक्टर DLED के पक्ष में खाता खोला जाएगा। NIOS DLED व्यय हेतु इस खाते में धनराशि स्थानांतरित करेगा तथा राज्य प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खाते से ही
अध्ययन केंद्र को धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए जो भी स्टडी सेंटर है उसको जो यहाँ पे कैसे पैसा मिलना है, उसका पैसा जो है किसके खाते पे आएगा, उसके बारे में हर एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे देखें तो एनआईएस के द्वारा एक लिस्ट भी जारी किया गया है कि किस स्टडी सेंटर को कहाँ पे कितने पैसे दिए गए हैं, टोटल कितने पैसे जो एनआईएस के द्वारा दिया गया है, तो हर एक चीज़ वहाँ पे जो उस लिस्ट में बताया गया है। और यहाँ पे नीचे देखें तो चार नंबर पे जो दिया गया है यानी कि चौथा बिंदु पे जो डिस्कस किया गया है, डीएलएड कोर्स 501, 502 एवं 503 हेतु अप्रैल 27, 28, 29 अप्रैल 2018 में परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी आपका एग्जामिनेशन है 501, 502 और 503 का, वो जो है 27, 28 और 29 अप्रैल को होगा। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि परीक्षा जो आयोजित होने की संभावना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले इस चीज़ के बारे में बोला था कि जैसा कि आप लोगों के काफ़ी सारे यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पे जो भी एग्जाम डेट जो निकाला गया है उसमें यहाँ पे बदलाव होगा या फिर नहीं होगा, तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर आपका एग्जाम सेंटर जो अगर टाइम से पहले बन जाता है, हर एक चीज़ जो है यहाँ टाइम से पहले हो जाता है, तो आपका एग्जाम जो 27, 28 और 29 अप्रैल को हो जाएगा, क्योंकि एनआईएस के द्वारा भी जो है इस डेट पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको काफ़ी सारे नोटिस में, काफ़ी सारे न्यूज़ में भी दिखाया है कि वहाँ पर हर एक जगह जो है 27, 28 और 29 अप्रैल को एग्जाम के बारे में बोला गया है। और फिर आगे लिखा है, जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाएगा, अतः इस संबंध में एनआईएस एवं शिक्षा विभाग द्वारा शासन को सूचित किया जाएगा तथा जिला अधिकारियों के आवश्यक सहयोग प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपका फाइनल एग्जाम का जो भी प्रश्न पत्र होगा तो वो जो है जिला अधिकारी के माध्यम से उसको वितरण किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखें तो एनआईएस के द्वारा जो एक नोटिस जारी किया गया था उसमें भी ये बोला गया था जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके माध्यम से ही जो है आपका प्रश्न पत्र का वितरण किया जाएगा, ताकि जो भी प्रश्न पत्र है वो इधर उधर ना हो। और फिर नीचे देखें तो पाँच नंबर पे जो लिखा गया यानी कि पाँचवा बिंदु पे जो बात किया गया है, जिन सेवारत और प्रतिथि शिक्षकों को दुरुस्त केंद्र पर अध्ययन केंद्र आवंटित किए गए हैं उन्हें जनपद के अंदर ही अन्य अध्ययन केंद्र स्थानांतरित करने की सुविधा निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की जा रही है। इस हेतु प्रशिक्षु निर्धारित फॉर्म पर आवेदन कर सकेंगे, यह सुविधा 30 मार्च के उपरांत ही दी जाएगी। तो देहरादून के लिए यहाँ पे एक फॉर्म निकाला गया था, जैसा कि मैंने आपको फॉर्म दिखाया भी था, तो वहाँ पे बोला गया था कि जो भी शिक्षक का स्टडी सेंटर जो काफ़ी दूर दे दिया गया है तो वो अपने स्टडी सेंटर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसका स्टडी सेंटर अगर काफ़ी दूर यानी कि 100-200 किलोमीटर दिया गया है तो उसका स्कूल जिस ब्लॉक में उस ब्लॉक में जो वो अपने स्टडी सेंटर को ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिए गए थे कि जो भी स्टडी सेंटर आप लेना चाहते हैं वहाँ पे 100 से कम जो है टीचर वहाँ पे होना चाहिए। अगर 100 से कम टीचर है उस स्टडी सेंटर पे तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, जो भी आपके ब्लॉक में स्टडी सेंटर है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपके ब्लॉक में सभी स्टडी सेंटर पे जो है सभी सीटें अगर फुल है तो आपके बगल के ब्लॉक में जो भी स्टडी सेंटर है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वहाँ पे उस फॉर्म को भरना था, उस फॉर्म को भरने के बाद जो आपको जमा करना था, तो यहाँ पे इसका जो डेट दिया गया कि 31 मार्च तक जो आप उस फॉर्म को वहाँ पे भर सकते थे। और फिर यहाँ पे छठा बिंदु पे जो डिस्कस किया गया है, राज्य में 30 मार्च तक पीसीपी कक्षाएं संचालित होंगी। तो यहाँ पे देखिए देहरादून के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पे 30 मार्च तक जो है जो भी पीसीपी क्लास है वो यहाँ पे संचालित होगा। और फिर आगे लिखा है, पीसीपी कक्षाओं के उपरांत 12 दिवसीय वर्कशॉप भी अध्ययन केंद्र पर आयोजित होनी है। तो यहाँ पे जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो 12 दिन का जो है वो यहाँ पे वर्कशॉप भी होना है, जो कि जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहीं पे आपका वर्कशॉप होगा। सम्यक विचारोपांत यह निर्णय लिया गया है कि वर्कशॉप आयोजित किए जाने हेतु राज्य में दो विकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे। अध्ययन केंद्र वर्कशॉप आयोजन हेतु निम्न विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्कशॉप का यहाँ पे एक डेट दिया गया है, यहाँ पे देहरादून के लिए यहाँ पे जो है दो डेट निकाले गए हैं, जिसमें से कि बोला गया कि जो भी स्टडी सेंटर है वो जो है इन दोनों डेट में से एक डेट यहाँ पे चूज कर सकते हैं, यानी कि एक डेट को यहाँ पे चुन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो डेट दिया गया है कि वर्कशॉप का जो वहाँ पर जो डेट है 13 मई से लेकर 24 मई तक जो है वहाँ पे वर्कशॉप हो सकता है, और दूसरा जो डेट है वो है 1 जून से लेकर 12 जून तक वहाँ पे वर्कशॉप हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी डेट जो दिए गए हैं तो इसमें से एक डेट जो है स्टडी सेंटर को चुनना है कि किस डेट में वो जो वर्कशॉप लगाना चाहते हैं अपने स्टडी सेंटर पे। और फिर नीचे लिखा गया है, अध्ययन केंद्र उनके द्वारा चुने गए विकल्प की सूचना एनआईएस के क्षेत्रीय केंद्र देहरादून एवं नोडल अधिकारी डीएलएड को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस डेट को यहाँ पे स्टडी सेंटर चुनेंगे तो उसका जानकारी जो है जो भी एनआईएस के क्षेत्रीय केंद्र है उसको देना है, यानी कि जो भी एनआईएस के रीजनल ऑफिस है उसको देना है, और फिर जो भी नोडल अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पे देना है। यहाँ पे दोस्तों देखें तो ये जो है देहरादून के लिए यहाँ पे जो भी वर्कशॉप का जो भी यहाँ पे डेट जो दिया गया है ये देहरादून के लिए है, लेकिन आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो भी वर्कशॉप का यहाँ डेट कब होगा तो आप अपने स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर से पता कर सकते हैं, उसके द्वारा आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपका वर्कशॉप जो है कब वहाँ पे लगेगा। तो आपको वो जो है एग्जैक्ट डेट जो है बता देंगे कि किस डेट में आपको जो वर्कशॉप के लिए वहाँ पे आना है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपका जो भी एग्जाम का जो डेट है वो 27, 28 और 29 अप्रैल है, और यहाँ पे जो भी आपका एग्जाम सेंटर जो बनेगा, एग्जाम सेंटर बनाने का जो यहाँ पे कार्य जो चल रहा है वो काफ़ी जो है तीव्र गति से यहाँ पे चल रहा है, और एक एग्जाम सेंटर पे जो है 500 लेके 1000 अभ्यर्थी जो है वहाँ पे बैठ के एग्जाम देंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे बड़ा अपडेट था एनआईएस के डीएलएड को लेके, और दोस्तों यहाँ पे जो भी अपडेट आता है
NS DLED को लेके या फिर ब्रिज कोर्स को लेके, तो आपको यहाँ पे इसी तरह से वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के साथ बने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी शिक्षक हैं सभी तक जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो से, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।